मात्र। थैंक यू नील भाई, डॉक्टर एस पी जय। थैंक यू सो मच रमेश अंकल। जय जय। देखिए, जैन धर्म आध्यात्मिक दर्शन तो है ही, और साथ में ये वर्तमान लौकिक जीवन के लिए भी हमको अनेक प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है। जैन धर्म यही लौकिक पारलौकिक सभी अर्थों में हमें एक नई दिशा प्रदान करता है, जैसा कि आज हमारा विषय है, राष्ट्रहिताय जैन धर्म। राष्ट्रहिताय जैन धर्म, इस विषय से ये समझ में आता है कि ये जो जैन धर्म है, जिसकी आध्यात्मिकता को हम भलीभांति जानते हैं, लेकिन कभी इस दृष्टिकोण से हमने शायद देखा नहीं होगा, तो इस दृष्टिकोण से देखने के लिए ये विषय मैंने जरा अलग हटकर के चयन किया है। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जो भावना है या राष्ट्रीय जो चेतना है, वो हमारे जैन साहित्य में, जैन आचार्यों की ग्रंथों में कदम कदम पर राष्ट्रीय चेतना के बिंदु हमको प्राप्त होते हैं। देखिए, हम प्रत्येक श्रावक प्रतिदिन मंदिर जाता है, युनाभिषेक करता है, या जो भी अपनी भावना करता है, अधिकांश लोग तो जाते ही हैं, सबकी बात ना करें तो वो लोग वहां पर जब जाते हैं तो प्रतिदिन एक ही भावना ये भाते हैं कि संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीन को, यतीनायकों को, राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले, कीजे सुखी है जिन शांति को दे। हे शांतिनाथ भगवान, कि आप ऐसा कुछ करें कि हमारे जो रक्षक हैं, हमारे जो राजा हैं, शासक हैं, मुनि हैं, आचार्य हैं, ये सारे समस्त राष्ट्र को शांति प्रदान करें, सबको सुखी रखें। इस प्रकार की भावना प्रत्येक श्रावक प्रतिदिन भाता है। आप चाहे तो मेरी भावना उठा के देख लीजिए, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, इस प्रकार की बातें हम जो है कदम कदम पर सुनते हैं। एक और भी छंद मैं सुनाता हूँ। देखिए, होवे सारी प्रजा को सुख बलयुत हो, धर्मधारी नरेसा, होवे वर्षा समय पे, तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा। समझ में आ रहा होगा, एकदम सरल है, मैं एकदम सार भी बता दूंगा। होवे चोरी न जारी सुसमय बरते न, हो न दुष्काल भारी सारे ही देश धारे, जिन वर ब्रस को जो सदा सौख्यकारी। कि इसमें ये कामना की गई है कि समस्त राष्ट्र सुखी रहे, समस्त प्रजा सुखी रहे, और हमारा जो शासक है वो धर्मवान हो, धर्मधारी बने, बलवान हो, समुचित समय पर बरसात हो, न हीन बरसात हो, न अधिक बरसात हो, किसी को कोई रोग ना हो, समस्त राष्ट्र में सुख शांति बनी रहे। इस प्रकार की भावना हम प्रतिदिन लगभग सभी लोग भाते हैं। तो जो आज का हमारा जो विषय है कि राष्ट्रीय जैन, राष्ट्रीय चेतना के बारे में, कि राष्ट्र के लिए जैन धर्म ने क्या किया। हम अक्सर ये सुनते हैं कि जैन धर्म तो स्व कल्याण की बात करता है, और बस अपने में डूबे रहो, अंतर में चले जाओ, और जगत की कोई बात ही नहीं करते, ऐसा आरोप हमें जो है सुनने को अक्सर मिलता है। तो उसके बारे में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जैन धर्म में ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे जैनाचार्यों ने न केवल पारलौकिक जीवन की अपितु अहलौकिक जीवन की भी भरपूर जो है वकालत की है, और उसके लिए काफी चिंतन, मौलिक चिंतन प्रस्तुत किया है। और इतना ही नहीं, जैनाचार्यों के साथ साथ जैन धर्मावलंबियों ने भी यथा यथा समय अपनी अपनी भूमिका को बहुत ही सुदृढ़ तरीके से प्रस्तुत किया है। देखिए, ये जो विषय है, इस विषय पर बहुत कुछ है, समय तो अपना काफी कुछ चल रहा है तेजी से। एक एग्जाम्पल मैं ये देना चाहता हूँ कि जितने भी आचार्य हैं, लगभग अधिकांश आचार्य ने जो भी अपनी कृति का निर्माण किया है, उस कृति के अंत में एक प्रशस्ति लिखी जाती है। उस प्रशस्ति में वे लोग अक्सर, एक परंपरा रही है कि वे अपने राष्ट्र का नाम लिखते हैं, अपने शासक का नाम लिखते हैं, और ये बताना चाहते हैं कि हम उनके प्रति भी बहुत आभारी हैं कि हमने उनके शासन काल में, उनके राष्ट्र में रह करके इस तरह के माहौल में हमने ये जो है ग्रंथ की रचना की है। क्योंकि यदि शासक अनुकूल है तो हम धर्म कार्य कर सकते हैं, और यदि शासक अनुकूल नहीं है तो धर्म कार्य बहुत कठिन हो जाता है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अभी देखिए, राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र के हित में जैन धर्म ने क्या क्या काम किए हैं, कुछ प्रमुख दो पांच काम मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहला तो बात ये देखिए कि जो हमारा राष्ट्र का नाम भारत है, और भारत भी नहीं, पूरा नाम भारतवर्ष, वो भारतवर्ष नाम भी हम जैन लोगों की ओर से ही प्रदान किया गया, और इस बात के बहुत ही प्रबल प्रमाण हैं, पर एक दो प्रमाण नहीं है, बहुत सारे ढेरों प्रमाण हैं, जैन ग्रंथों के प्रमाण हैं और जैनेतर ग्रंथों के भी प्रमाण। देखिए, जो ये भारतवर्ष है, वैसे तो हम भरतखंड में रहते हैं, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में हम सब रहते हैं, और इस भरत क्षेत्र का जो पहला राजा हुआ वो जो है चक्रवर्ती, राजा बोलते चक्रवर्ती, वैसे तो राजा बहुत होते लेकिन पूरे भरतखंड का एक समुचित राजा तो वो जो है भरत चक्रवर्ती हुए थे सबसे पहले। और वो भरत चक्रवर्ती नाम की साम्यता एक संयोग है कि चक्रवर्ती का नाम भी भरत और उस क्षेत्र का नाम भी भरत, तो जो भरत क्षेत्र का जो राजा भरत चक्रवर्ती था उसके नाम से जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा। देखिए, इस बारे में तीन मंतव्य या तीन मत लोगों के पाए जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि दुष्यंत का पुत्र, जो दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र भरत है, बहुत ही वीर था और उसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि जो रामचंद्र जी के भाई हैं, दशरथ के पुत्र हैं भरत, उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और कुछ लोग कहते हैं कि ऋषभ देव के पुत्र जो भरत थे, उनके नाम से भारत का नाम पड़ा। ये तीन मत हमारे सामने आते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हमने राम राज तो सुना है, लेकिन कभी भरत राज तो नहीं सुना। भरत राज सुनेंगे कैसे, भरत राजा बने ही नहीं, जब राजा बनने की बात आई तो भी नहीं बने वो। तो जब भरत राजा ही नहीं बने तो उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत कैसे हो सकता है, ये बहुत ही सीधी सच सी बात है एकदम। और जो दुष्यंत पुत्र हैं, वो वीर थे, सब कुछ ठीक थे, पराक्रमी थे, लेकिन उनका भी जो प्रभाव या उनकी भी जो प्रसिद्धि है वो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से हुई है। लेकिन इन सबसे प्राचीन यदि कोई भरत हैं तो वो ऋषभ देव के पुत्र भरत हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत ने संपूर्ण छह खंडों को, भरत क्षेत्र के छह खंडों को जीत लिया था, और इस कारण से वे भरत चक्रवर्ती कहलाए और उनके कारण ही हमारे देश का नाम भारत बना। पहले भारत इतना विशाल था, धीरे धीरे उसकी सीमाएं संकुचित होती रहीं, इसलिए ऐसी बात है। और जब भरत चक्रवर्ती सम्राट बने उसके पहले भी जो इस देश का नाम क्या था, कि ये नाम उस भरत चक्रवर्ती के भी पिता के नाम से था, भरत चक्रवर्ती के पिता के नाम से, यानी कि अजनाभ वर्ष नाभिराय के पुत्र ऋषभ देव हुए, ऋषभ देव के पुत्र जो है भरत हुए। आपको क्या बताएं, बहुत सारे प्रमाण हैं। देखिए, कुछ नाम मैं बोलूंगा क्योंकि वक्त अपने पास पूरे सुनाने के लिए नहीं, सिर्फ रेफरेंस के नाम दो तीन बताता हूं। देखिए, ये जो प्रमाण है जैन ग्रंथों में प्रमाण है, एक तो तत्वार्थ वार्तिक का है जो कि अकलंक आचार्य का लिखा हुआ है, एक महापुराण में जिनसेन आचार्य ने लिखा है, इसके बाद पुरुदेव चंपू में लिखा हुआ है, और यदि जैनेतर पुराणों में हम देखें तो आप देखिए अग्नि पुराण में, भागवत पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, ब्राह्मण पुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, वायु पुराण में, नारद पुराण में, शिव पुराण में, वराह पुराण में, कूर्म पुराण में, विष्णु पुराण में, इत्यादि अनेक पुराणों में इस बात के प्रबल प्रमाण है कि हमारे देश का नाम भरत चक्रवर्ती, जो कि राजा ऋषभ देव के पुत्र हुए, उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये तो हुए देश की बात, बहुत ही संक्षेप में बता रहा हूं। अकेले सिर्फ भारतवर्ष की ही बात करनी हो तो एक लेक्चर सिर्फ उसी पे हो सकता है, लेकिन हमको बात चार छह पॉइंट मुझे कम से कम कहने हैं। तो हमारे देश का नाम ही ये जैन धर्म की देन है, यहां से शुरू होती। ये विषय हमने इसलिए उठाया है कि हम जैनों को एक गौरव से मस्तक हम ऊंचा कर सकें और हमको अपने धर्म के प्रति एक गौरवान्वित का अनुभव महसूस कर सकें, इस बात के लिए ये बात बताई जा रही है। तो देखिए, ये जो बात है, कह तो दिया आसान था कि हमारे देश का नाम भरत चक्रवर्ती से पड़ा, लेकिन इस देश के बहुत नाम समय समय पर आर्यावर्त और इंडिया वगैरह अनेक अनेक नाम हिंदुस्तान वगैरह चलते रहे। जब 1949 में भारतीय संविधान तैयार हुआ और हमारे देश का नाम जब निश्चित किया जा रहा था, तो ये प्रमाण ढूंढे गए कि ऐसा क्या प्रमाण मिल सकता है, क्या बात है कि जो हमारे देश का नाम, वास्तविक नाम इन सभी नामों में से कौन सा है। तो उस बात के लिए उड़ीसा में हाथी गुम्फा एक शिलालेख है, सम्राट खारवेल ने लिखाए हैं वहां पर, लगभग 13 शिलालेख हैं, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उनमें से 10वें नंबर का जो शिलालेख है
उसमें ये शब्द जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ पाया गया, और ये जो शब्द है वो ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा उसमें जो है ये थोड़ा सा अलग तरीके से, जैसे भरतवस, क्या नाम, भरतवस नाम से लिखा हुआ है, जो कि भारतवर्ष का ही एक प्राचीन रूप है। तो इस तरह से ये पहले तो बात हमारे देश की हुई। अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि भारत देश का नाम तो बन गया, इसके बाद देखिए जो हमारी भारतीय संसद है उसका नाम, उसके लिए भी जैनों की बहुत बड़ा योगदान है। जब ये पहली जो संविधान सभा बनी तो उसमें लगभग 54 या 55 करीब जैन धर्मावलंबी उसमें थे। तो जब ये संसद बनी तो बहुत ही अच्छे उद्देश्य से, अच्छी कामना से, अच्छी भावना से बनी, और ये बात चल रही थी कि इसका एक बहुत ही अच्छा सुयोग नाम क्या रखें। वैसे जो पार्लियामेंट जो शब्द है वो देश विदेश की जितने भी पार्लियामेंट है किसी का नाम संसद तो नहीं है, लेकिन हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसका नाम संसद है। और ये जो संसद शब्द है ये किसी भी डिक्शनरी में आप देखिए इसका ऐसा मीनिंग कहीं नहीं लिखा है कि पार्लियामेंट को ही संसद कहा जाए। दरअसल ये तो उसका नामकरण किया गया है, और वो ये नामकरण है वो किस प्रकार हुआ देखिए कि जो संसद है उसका सही मीनिंग हमारे जैन दर्शन में भगवान तीर्थंकरों का जो समोसरण लगता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। समोसरण को कहते हैं संसद, कि हे भगवान आप अपनी संसद में बैठ करके और धर्मोपदेश देते हैं, इस प्रकार के आपको उद्धरण मिलेंगे। आचार्य समंतभद्र ने एक स्तोत्र लिखा है स्वयंभू स्तोत्र, उस स्वयंभू स्तोत्र के 12वें नंबर के छंद में ये शब्द पाया गया है। आप देखिए संसद ही करके लिखा हुआ है, तो संसद कहते हैं भगवान के समोसरण को। और वहां समोसरण की ये विशेषता होती है कि उस समोसरण में जो जन्मजात विरोधी जीव हैं, जैसे बहुत सारे हैं, शेर हैं, बाघ हैं, गाय, आपस में जो विरोधी जीव हैं वो भी हिल मिल करके अपनी शत्रुता को भुला करके और वहां पर बैठते हैं, हिल मिल करके धर्मामृत को सुनते हैं। तो इसी भावना से ये सुझाव उस वक्त प्रदान किया गया कि ये जो संसद है इसमें विरोधी दल भी बैठेंगे, तो आपसी जो मतभेद होंगे, वैमनस्य होंगी, विरोधिता होंगी, उन सब को भुला करके, हिलमिल करके राष्ट्र के हित में कुछ चिंतन करें, इस भावना से जो है हमारे जो देश की संसद है, पार्लियामेंट है, उसका नाम जो है संसद रखा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और भी देखिए क्या खास बात है कि संसद की जो बिल्डिंग है वो एकदम गोलाकार है, गोल बनी हुई है आप देखेंगे, और हमारा जो समोसरण है वो भी एकदम गोल ही होता है। तो वो सारी समानताएं देखते हुए वहां पर जो बहुत सारे जो लगभग 54-55 जैन लोग मौजूद थे उनमें से किसी ने ये सुझाव वहां पर प्रदान किया होगा, और यही कारण है कि हमारे देश की संसद का नाम भी जो है जैनों की ये देन। इसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान की बात करते हैं तीसरे बिंदु पर हम, कि जो भारतीय संविधान जो बना है वो संविधान में बहुत सारे महापुरुषों को याद किया है, अनेक प्रकार के महापुरुषों की बदौलत हमारे देश को जो आजादी मिली है, तो उसमें जो है भगवान महावीर को भी याद किया है। और आप देखेंगे कि जो मूल प्रति जो भारतीय संविधान की है उस मूल प्रति में स्थान स्थान पर कुछ चित्र बनाए हुए हैं जिनकी वजह से हमारे देश को आजादी मिली, ऐसे लोगों के योगदान को बताने के लिए। उन्हीं में से एक चित्र भगवान महावीर का भी जो है दिखाया गया है। मैं आपको वो चित्र दिखाना चाहता हूं कि वो जो चित्र है हमारे संविधान में, ये चित्र आप देख रहे होंगे, ये चित्र जो है संविधान में हमको जो है पाया जाता है। भगवान महावीर यहाँ पर विराजे हुए हैं, और ये बताया गया है वहां पर लिखा हुआ है कि भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं, और आपके ही आदर्शों पर चलकर हमारे देश को जो है स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार का जो ये भारतीय संविधान में हमारे जैनों की एक बहुत ही गौरवशाली जो है इतिहास रहा है। इसके बाद एक चीज और देखिए कि राष्ट्र हिताय की बात हम कर रहे हैं, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो कि पूरा राष्ट्र जिनको एक राष्ट्रपिता की उपाधि दिए हुए हैं, वे भी जिनको अपना गुरु मानते थे, वे स्वयं श्रीमद राजचंद्र जी जैन धर्म से जो है बिलोंग करते थे। श्रीमद राजचंद्र जी महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे, और महात्मा गांधी जब विदेश गए थे तो वहां पर डॉक्टर ई बेवर ने, ये अपनी सब जीवनी में लिखा है आप देखेंगे तो सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी लिखी है, उसमें लिखा है कि वहां पर जो है डॉक्टर ई बेवर ने उनको जो है ईसाई धर्म की ओर आकर्षित किया था, और उनका बार बार मन विचलित हुआ और अंतर्द्वंद में वे पड़ गए थे। तो ऐसे समय पर वे गांधी जी से सलाह मशविरा किया करते थे।
वो श्रीमद जी से, श्रीमद राजचंद्र जी से सलाह मशविरा किया करते थे और राजचंद्र जी उनको जो है बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता करके और उनको जो है सत्य और अहिंसा के प्रति प्रेरित किए थे। जो सत्य और अहिंसा की जो बात हम कहते हैं कि गांधी जी बहुत ज्यादा उस पर दृढ़ थे, ये बात भी उनको जैनों की ही देन है। देखिए मैं आपको इन सबके प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूँ कि ये जो गांधी जी की आप जीवनी में ही देखेंगे, मेरे को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं, जीवनी सब जगह मिलती है, आप उसको देखिए। उस जीवनी में उन्होंने खुद लिखा है कि जब मेरे साथ ऐसी स्थिति आई, मैं बहुत अंतर्द्वंद में रहा, तो मैंने जो है श्रीमद जी से संपर्क किया और श्रीमद जी ने मुझे जो है षड् दर्शन समुच्चय नाम का एक ग्रंथ दिया। देखो फिर से बोलता हूँ, षड् दर्शन समुच्चय, ये ग्रंथ जो है जैनाचार्य हरिभद्र सूरी ने लिखा है। और ये ग्रंथ की क्या विशेषता है कि इसमें षड् दर्शन, छह प्रकार के दर्शनों का परिचय दिया है। तो छह प्रकार के दर्शनों का इनमें पूरा परिचय दिया है, आप पूरा पढ़िए, सर्व दर्शनों का अध्ययन कीजिए। तो उससे उनको जो है एक ये फीलिंग आई कि हमारे में क्या खास है और उनमें क्या खास है, ऐसा एक तुलनात्मक दृष्टिकोण उनका विकसित हुआ और इस प्रकार वे जो है उस अंतर्द्वंद से बच सके। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है इस तरीके के, और भी कई बार उनको जो है गांधी जी को प्रेरणा जो है श्रीमद जी से मिली थी इस तरीके की बात। 30 मार्च 1930 में कभी जब दांडी मार्च शुरू हुआ था, दांडी मार्च के लिए जब वो प्रस्थान कर रहे थे गांधी जी, तो उस दांडी मार्च की प्रस्थान करने के लिए एक महिला सामने आई, जैन महिला थी, और वो गांधी जी को तिलक लगा करके और उनको जो है उस प्रहरी बनी, उस यात्रा की प्रबल प्रहरी बनी। उस महिला का नाम सरला देवी था। चित्र मेरे पास मौजूद था लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास उपलब्ध नहीं है, ऑफिस में है वो चित्र, तो नहीं तो वो भी आपको दिखा सकते थे। तो इस तरह से ये राष्ट्र के निर्माण में, देश के हित में जैनों की आध्यात्मिक भूमिका से अलग हटकर एक विशेष तरीके की भूमिका भी रही है, ये बात को उजागर करना मेरा यहाँ पर उद्देश्य है। तो देखिए आगे चलते हैं, एक राष्ट्रीय जो चिन्ह है, नेशनल एम्बलम जिनकी हम बात करें, तो जो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र की हम बात करते हैं, अशोक सम्राट अशोक, ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य ये जो है जैन धर्म में दीक्षित हुए। इतिहास की पुस्तकों में बहुत लोगों को शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि चंद्रगुप्त के जीवन का अंतिम समय कहाँ गुजरा, किस प्रकार गुजरा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम श्रुतकेवली भद्रबाहु आचार्य से दीक्षा ग्रहण कर ली थी और वे उनके साथ साथ दक्षिण भारत की ओर चले गए और स्वर्ण बेलगोला में आप देखेंगे आज भी उनकी एक समाधि स्थल वहां पर बना हुआ है चंद्रगिरी पहाड़ पर। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये जैन धर्मा के एक अनुयायी थे और इन्हीं के पोते सम्राट अशोक थे। हाँ इतना जरूर है कि सम्राट अशोक पहले जैन थे, बाद में वे बौद्ध बन गए। हमारे इतिहास में दो राजा ऐसे हैं जिनमें से एक जैन से बौद्ध हुआ है, एक बौद्ध से जैन हुआ है। तो ये जो है पहले जैन थे बाद में बौद्ध हो गए, और राजा श्रेणी पहले बौद्ध थे लेकिन बाद में जैन हो गए, इस तरीके से थोड़ा याद रखने के लिए ठीक रहेगा। तो जो सम्राट अशोक थे वो जब पहले बौद्ध बनने के पहले उन्होंने सारनाथ में, जो कि बनारस के पास में है सारनाथ, वहां पर अशोक की लाट जिसको कहते हैं यानी कि अशोक स्तंभ का निर्माण कराया, और उस अशोक स्तंभ पर जो है उसने 24 तीर्थंकरों के प्रति अपनी आस्था को प्रदर्शित करने के लिए अशोक चक्र की स्थापना की। अशोक चक्र में आप देखेंगे 24 तीलियां हैं और ये जो राष्ट्रीय ध्वज है नेशनल फ्लैग, उस पर भी जो बीच का जो सफेद रंग है उसमें एक अशोक चक्र बनाया हुआ है। और जब भी उसको पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है तो हमको ये शिक्षा दी जाती है कि इसमें जो 24 तीलियां हैं वो इस बात का प्रतीक है कि हम 24 घंटे प्रकृति के हैं। लेकिन आप देखिए इसका जो मूल स्रोत है वो ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं उस बात का ये प्रतीक है। और मैं एक बात छोटी सी कहना चाहता हूं कि बौद्ध लोग भी ये कहते हैं कि जिस तरह से जैनों में 24 तीर्थंकर होते हैं उसी तरह से हमारे बौद्ध धर्म में भी 24 बुद्धों की कल्पना है, 24 बुद्ध होते हैं। तो 24 बुद्ध होते हैं उनका प्रतीक है ये, और वो क्योंकि बाद में बौद्ध बन गए थे। तो ये जो तर्क उनका है ठीक है, हो सकता है, हम तो एकदम प्रॉपर दावा तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक प्रश्न फिर पूछना चाहता हूँ कि ठीक है माना कि आप धर्म चक्र को बौद्धों का स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अकेला चक्र नहीं है, उसके आगे आप देखिए वहां पर एक बैल का चित्र बना हुआ है, एक हाथी का चित्र बना हुआ है, घोड़े का चित्र बना है और शेर का भी चित्र बने हैं आप देखेंगे तो,
वो चित्र आप देख सकते हैं, सब जगह मिलेगा, भारतीय मुद्राओं पर प्रकाशित हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पहला चित्र है जो कि बैल का चित्र है वो भगवान आदिनाथ का चिन्ह है, दूसरा जो चित्र है वो जो है हाथी का है और वो जो है भगवान अजितनाथ का चित्र है, तीसरा चित्र घोड़े का चित्र जो कि संभवनाथ का चिन्ह है। अब देखूंगे आप चौथा, हमारे पास जो भी स्तंभ बनता है चार ही साइड होती है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चार ही साइड होती है, पांच तो होती नहीं। अब उसके पास ऑप्शन चार ही हैं और 24 तीर्थंकर दिखाना चाहता है, कैसे दिखाए? तो वो ये कहना चाहते हैं कि ऋषभदेव अजितनाथ संभवनाथ आदि महावीर पर्यंत तक, तो फिर चौथा चित्र उसने अंतिम तीर्थंकर महावीर का चिन्ह जो कि शेर वहां पर बना दिया, और चारों चिन्हों के बीच बीच में एक एक धर्म चक्र भी बनाया जिसमें 24 तिलियां हैं। वो ये कह रहे कि देखो ये मैंने चार ही चित्र बताए हैं लेकिन तीर्थंकर 24 समझना, आप चार मत समझना। अच्छा, इतना करने के बाद भी उसको संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने आगे देखो क्या किया। आगे वो ये कहना चाहता है सम्राट अशोक कि मैंने जो कुछ किया कर तो दिया लेकिन वर्तमान में शासन तो अंतिम तीर्थंकर भगवान स्वामी का चल रहा है, तो मैं उनको हाईलाइट कैसे करूं? तो इस बात के लिए उसने उस पूरे चिन्ह के ऊपर की तरफ चारों दिशाओं में चार सिंह मूर्तियां बनाई, और वो ये बताना चाहते हैं कि आज चारों दिशाओं में भगवान महावीर का शासन चल रहा है। देखिए जो चित्र है, ये जो राष्ट्रीय प्रतीक जिसको कहते हैं, ये पूरे हमारे देश का गौरव है, और ये देश का गौरव हम जैनों की देन है। हमें जैनों ने क्या क्या राष्ट्र कल्याण के लिए कार्य किए हैं, आप समय तो एक घंटे, आप नील जी ने मेरे से संपर्क किया और इन्होंने कहा कि आपको इतने समय बोलना है, लेकिन इस विषय का मैंने बहुत चिंतन किया, बाद में मेरे पास बहुत विस्तार हो गया और काफी कुछ मेरे पास बिंदु इसके बहुत इकट्ठे हो गए, एक घंटे का भी मैं बोल सकता हूँ। तो देखिए इतना मैंने संक्षेप में कुछ बिंदु चिंतन के लिए छोड़ रहा हूँ, बाकी तो बातें बहुत है। अब आगे देखिए भारतीय मुद्राओं पर भी जो है हमारे तीर्थंकरों के चिन्ह हमको पाए जाते हैं। एक चिन्ह है, मैं आपको शायद शेयर कर पाऊंगा, देखता हूं मैं, शायद एक चित्र मेरे पास जो है भगवान पार्श्वनाथ का चित्र है, शायद देख पा रहे होंगे आप, देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? भगवान पार्श्वनाथ का चित्र देख पा रहे हैं? हाँ, ये जो भगवान पार्श्वनाथ का चित्र है ये भारतीय मुद्राओं पर जो है प्रकाशित हुआ। देखिए इससे भी हमको ये समझ में आते हैं कि समय समय पर हमारे शासकों को जैन तीर्थंकरों ने भी कितना आकर्षित किया और उनके प्रति उनके मन में कितनी सम्मान की भावना रही है। तो भारतीय मुद्राओं पर, भारतीय संसद पर, भारतीय संविधान पर, भारतीय प्रतीक चिन्हों पर हमारे जैनों की क्या अमिट छाप है जो आज हम सबको गौरवान्वित करती है। और यही सब बातें नहीं है, हमारे आचार्यों ने सभी क्षेत्रों में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, पर्यावरण चेतना हो, राष्ट्रीय चेतना हो, शिक्षा जगत हो, चाहे कुछ भी हो, हर क्षेत्र में भरपूर काम किया है। इतना काम किया है कि हर बिंदु पर एक एक घंटे का व्याख्यान हुआ जा सकता है। देखिए इसके बाद मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो भारतीय जो कोष वृद्धि है, राजस्व कोष है, यानी टैक्स जिसकी बात हम करें, तो आपको इसके आंकड़े मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, मैंने भी गूगल से ही सर्च किया है। तो आप देखिए मतलब हमारे जैनों की जो जनसंख्या है वो 0.45 करोड़ यानी कि 45 लाख के करीब है, जो कि 1% से भी कम है, हमारे देश की जनसंख्या में 1% से भी कम है। लेकिन इस 1% से भी कम जनसंख्या में लोगों ने राजस्व को 24% तक जो है योगदान देता है, जो कि देश की उन्नति में, उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये बहुत बड़ी गौरवशाली बात है, और जैन लोग इतने जो है संयम से रहते हैं, सदाचार से रहते हैं, ये बहुत ही, देखिए जैन लोग अपराध से दूर रहते हैं और अपराध वृत्ति से दूर रहने के कारण ही ज्ञानी जैल सिंह ने एक बार ये कहा था कि यदि जैन समाज जितना सभ्य, सुशिक्षित और संस्कारित यदि हर व्यक्ति हो जाए तो हमारे देश में जो आपराधिक जगत पर जो पैसा खर्च होता है वो बचाया जा सकता है। पूरे देश में जितनी पुलिस चौकियों पर खर्चा होता है, कितनी सारी क्राइम ब्रांच को जो है पैसा खर्च होता है, वो हम बचाया जा सकता है। तो ऐसे करके बहुत सारी बात है। शिक्षा के आंकड़े भी बहुत ज्यादा है, शिक्षा के आंकड़े देखेंगे तो 94.1% जो है हमारे शिक्षा के आंकड़े है। पूरे देश में बहुत सारी बातें हैं। एक देखिए आचार्य धर्सेन कृत एक पुस्तक है विश्व लोचन कोष नाम की, उस पुस्तक में राष्ट्रीय चेतना की भावना किस प्रकार भाई गई है, भारतम में प्रियम राष्ट्रम, भारतम हितकारकम, भारताय नमस्तुभ्यम, यत्र में पूर्वजा स्थिता,
कि भारतम में प्रियम राष्ट्रम, भारत मेरा प्रिय राष्ट्र है, इस प्रकार की भावना जैनाचार्य निभा रहे हैं, बताइए गजब की बात है। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं हमारा प्रथम कर्तव्य उसकी रक्षा है। देखिए इसी बात के लिए ये कहा है, एक मेरे पास लिखा हुआ है, हाँ, चामुंड राय कृत चारित्र सार नाम का एक ग्रंथ, चामुंड राय कृत चारित्र सार नाम का ग्रंथ है, उसमें पेज नंबर 42 पर ये लिखा है कि यदि हमारे देश पर संकट आया हो और आप उसको दूर कर सकते हैं, लेकिन आप उस वक्त मुनि दीक्षा में हैं, तो भी मुनि दीक्षा छोड़ करके भी पहले उस कष्ट को दूर करना चाहिए, इतना हमारा कर्तव्य है। देखिए ये बहुत बड़ी हमारे देश के प्रति जैनाचार्यों की, जैन धर्म की कितनी अनूठी निष्ठा है, अनूठी आस्था है, उसका एक बहुत ही सबल प्रमाण है। बातें काफी हैं। टेकचंद जी ने सुदृष्टि तरंगणी में ये कहा है कि जो व्यक्ति राष्ट्र के विरुद्ध बोलता है, जो राष्ट्र की बातों को नहीं मानता, नियमों को नहीं पालन करता है, वो सठ है, लोकनिंद है, उसको वहां से निकल जाना चाहिए, उस देश से बाहर चला जाना चाहिए। इस तरीके की बात टेकचंद जी ने लिखी है। और इसके साथ ही देखिए कि जो स्वतंत्रता संग्राम में भी जैनों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, कपूर चंद जी ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम ही है स्वतंत्रता संग्राम में जैन, यानी कि बहुत सारे जैन व्यक्तियों की लिस्ट है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, जैसे गांधी जी की जैसे ही योगदान दिया है, लेकिन आज हम सब जानते नहीं है, लेकिन वो भी बहुत ही बड़ी अद्भुत अनोखी भूमिका रही है। आचार्य वसुनंदी ने, ये तो कमाल की बात बता रहा हूँ, लास्ट वाली बात एकदम कमाल की, आप सुनिए ध्यान से, आचार्य वसुनंदी ने एक सेपरेट ग्रंथ ही लिखा है और उस ग्रंथ का नाम है रट्ठ संति महाजगो। रट्ठ संति महाजगो मतलब ये प्राकृत वर्ड है, प्राकृत में ग्रंथ, इसलिए इसका हिंदी होगा रट्ठ संति मतलब राष्ट्र शांति, राष्ट्र शांति महायज्ञ, राष्ट्र शांति महायज्ञ। इस ग्रंथ में 86 गाथाएं लिखी है प्राकृत की, पूरा ग्रंथ ही राष्ट्र की शांति के लिए समर्पित कर दिया, गजब की बात है भाई। तो इस तरह से हमारे ग्रंथों में आप देखिए चोरी के 5 अतिचार है, वहां पर एक शब्द आता है राज्या विरुद्ध राज्यातिक्रम, कि राज्य के नियमों के विरुद्ध आपको नहीं जाना है, राज्य के नियमों के विरुद्ध जाने पर हमको दंड विधान है, प्रायश्चित का विधान है, चोरी के व्रत में जो है अतिचार माना जाता है। तो इस तरह से बहुत ही संक्षेप में मैंने कुछ बातें रखी है, और भी काफी कुछ बातें कहने का मन कर रहा है, यदि अनुमति हो तो मैं 5 मिनट और अपनी बात कहूं। तो एक दो बात और मैं कह देना चाहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जैन समाज कितना जो है मतलब अपराध जगत से, अन्याय से, अनीति से, इन सबसे दूर रहता है, यही कारण है कि वो आज समृद्ध है। देखिए श्रीमद राजचंद्र जी के जीवन का एग्जाम्पल देता हूँ, कि श्रीमद राजचंद्र जी जवाहरात का व्यापार करते थे, किसी को उनको खरीदना था, पे माल खरीदना था, तय हो गया, रातों रात भाव बढ़ गए, उस व्यक्ति की पोजीशन नहीं थी कि वो उनको अदा कर सके, श्रीमद खुद उसके पास गए, उन्होंने कहा कि राजचंद्र दूध तो पी सकता है लेकिन खून नहीं पी सकता, मगर खून नहीं पी सकता, और उन्होंने कहा कि आपको देने की जरूरत नहीं, ये सारा करारनामा मैं फाड़ के फेंक देता हूँ। तो इस तरह से देखिए जैन लोग किसी के कष्ट को देख नहीं सकते। एक जमाना था जब कोर्ट में जैनों से गवाही नहीं मांगी जाती थी, इतनी हमारी बहुत ऊंची निष्ठा थी, धर्म कोई बुरा नहीं है, धार्मिक लोगों के आचरण से कुछ फर्क पड़ सकता है, हमको अपने धर्म की इज्जत को बचा के रखना है, हमको गौरवान्वित करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक बात देखिए गणेश प्रसाद वर्णी, जगत में घूम करके शिक्षा के क्षेत्र में ढेरों विद्यालय उन्होंने खोले हैं, मैं आपको क्या बताऊं, उनके जीवन के 1 रुपए से उन्होंने जो काम शुरू किया, 1 रुपए में उस वक्त जो है कुछ 64 पैसे होते थे, तो 64 पोस्टकार्ड उन्होंने खरीदे और 64 दानवीरों को चिट्ठी लिखी कि हमारी ऐसी योजना है, हम विद्यालय खोलना चाहते हैं, आप दान दे सकते हैं क्या। तो वो बहुत लोगों ने बहुत दान दिया और उनसे बहुत विद्यालय खुले। वाराणसी में 1905 में एक शादवाद महाविद्यालय खोला है, उस शादवाद महाविद्यालय भी इसी परंपरा में खोला है, उसमें से हजारों सैकड़ों लोग जो है पढ़ पढ़ करके इतने प्रकांड विद्वान निकले हैं कि बेजोड़ विद्वान है, टॉप चोटी के विद्वान माने जाते हैं, इतने गजब का काम इन्होंने किया है। एक बार जो है गोपाल दास बरिया नाम के विद्वान थे, जैन विद्वान थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और रात्रि के जैसे ही 12 बजते हैं, दिन डेट बदल जाती है, डेट बदल गई और उनको ख्याल नहीं था उनके बेटे का जन्मदिन था उस दिन, तो बेटे का जन्मदिन था और वो बोलते हैं कि 3 साल के बाद, वो 8 साल के बाद जो भी आधा टिकट के बाद पूरा टिकट लगता है, तो उनके पास आधा ही टिकट था। तो जब स्टेशन जहां यात्रा उनकी पूरी हो गई
गंतव्य आ गया, उतरने के बाद यात्रा पूरी करने के बाद वो स्टेशन पर गए और वहां कहते हैं कि मुझे पूरा टिकट चाहिए कि कहाँ का, कि यहाँ से यहाँ तक का, कि ये तो आ गए आप, आ गए अब क्या का टिकट, कि नहीं मुझे टिकट चाहिए। जिद पर अड़ गए, बताइए, जिद पर अड़ गए और टिकट उनको दिया, और टिकट वो काफी मुश्किल से दिया, लेकिन वो बात इतनी फैल गई घूमती घूमती, उस वक्त के जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक भी ये बात पहुंच गई, और क्योंकि बात ही ऐसी थी कि ये आदमी क्या इतना भी कैसा आदमी है, अजीब आदमी है, ये कैसा आदमी है, तो लेकिन वो बात जब वहां पहुंची तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने वक्तव्य में ये कहा था कि यदि गोपाल दास बरैया जितने ईमानदार देश का हर नागरिक हो जाए तो हम देश में लोहे की नहीं सोने की पटरी बिछा सकते हैं। देखिए कमाल की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारा कितना गौरवशाली इतिहास है और हमको ये जानकारी नहीं है। हम दूसरी बातें तो पढ़ते ही हैं और पढ़ेंगे ही, मैं उनकी मना नहीं करता, लेकिन ये कुछ अलग हटके कुछ खास बातें थी जिनकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए, हमको जानकारी होनी चाहिए कि हमारा गौरवशाली इतिहास कितना गजब का है, हमने क्या क्या काम नहीं किए। दान की संस्थाएं चलती है जहां बिना जाति पाति बिना भेदभाव के और लोगों का इलाज किया जाता है, अस्पताल बने हैं, पशु पक्षियों के भी अस्पताल बने हैं। मानवाधिकारों की बात छोड़िए, आप कानून की दृष्टि से देखो तो प्राणी मात्र के कल्याण की बात ये जैन धर्म करता है, तो राष्ट्र के हर कदम कदम पर ये जो है कंधे से कंधे मिलाकर के हर खड़ा हुआ है, तो ये कितनी गजब की बात है। इतनी ही बात कहकर के मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि समय की जो है समय सीमा है। मैं समझता हूँ कि आज की बात से आपको कुछ जरूर लाभ हुआ होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एसपी जैन जी। नील भाई, इफ यू कैन। सो एक बहुत ही डिफरेंट विषय आज हमारे लिए रहा, और डेफिनेटली हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे धर्म के साथ भी देश और धर्म का कैसे जुड़ाव रहा हुआ है, जिसमें आपने भारत के नाम से लेके, संविधान से लेके, संसद से लेके, हमारा जो अशोक चक्र है इसका इतना ब्यूटीफुल कभी इस एंगल से हमने सोचा ही नहीं था। हमेशा इसको देखते हैं, पर ये एंगल भी हो सकता है कि अशोक चक्र के अंदर ये 24 डंडियां क्या प्रतीक करती है। बहुत ही सुंदर वे से आपने ये दोनों का अमालगमेशन करके हमको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एसपी जी जैन। डॉक्टर एसपी जैन जी, मेरे पास एक दो प्रश्न है, इफ यू डोंट माइंड नील भाई। आई विल जस्ट टेक वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अमेजिंग सेशन डॉक्टर एसपी जैन जी, आई विश दिस इज अमेजिंग। वी हर्ड अबाउट Gopal Das Dariya first time, and even Prime Minister Jawaharlal Nehru mentioned about it. We heard about first time the Ashok Chakra 24 as Neil Bhai told. But I quickly jump to my question. As per you, आपके हिसाब से where did we lost? हम कहाँ खो गए? Such a huge contribution, hardly many people know about it. इतना कुछ देश के लिए किया था, but कुछ इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है. Where did we lost this whole thing? कहाँ हमसे गलती हो गई? बिल्कुल, आपका प्रश्न यही है ना? हाँ, नहीं पाया। हम लोग कहाँ खो गए? Where do we lost? How did these things we don't know? कहाँ हमको ये सब चीजें नहीं मालूम पड़ेगी? हाँ, जैनिंग के लोग इतना ही जानते हैं कि बुद्धिज्म जैनिज्म इज ऑफशूट ऑफ हिंदुइज्म, दे डोंट नो। नहीं, इसके ऊपर भी बातें हैं। आपका जो ये कहना है कि जो जैनिज्म बुद्धिज्म वगैरह हिंदू धर्म की शाखा के रूप में कुछ लोग कहते हैं कि ये तो एक हिंदू धर्म की शाखा ही है, लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं ज्यादा तो नहीं, छोटे संक्षेप में उत्तर देता हूं। आप यूं देखिए कि जो हिंदू धर्म की जो प्राचीनतम ग्रंथ यदि माने जाते हैं तो ऋग्वेद माना जाता है सबसे प्राचीनतम। लोकमान्य तिलक ने तो ये सिद्ध किया कि जो 4500 साल पहले जो है ये ग्रंथ बना है। तो उस ग्रंथ में भी आप देखिए भगवान ऋषभदेव का नाम बहुत बार आया है, लगभग 144 बार उसमें भगवान ऋषभदेव का नाम आया है। कुछ जगह पर अजितनाथ का भी नाम आया है, अरिष्टनेमी का भी नाम आया है 22वें तीर्थंकर का। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि जो प्राचीनतम ग्रंथ उनका है, जिसको, और ग्रंथ प्राचीनतम है इतनी बात नहीं है, उसमें एक और बात है। उनका कहना है ये ग्रंथ अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब है अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं, अनादि से ही है, ऐसा उनका मानना है। अब आप ये देखिए कि जो ग्रंथ अनादि से ही है और उस ग्रंथ में भगवान ऋषभदेव का नाम है, और उनके भी पहले यानी कि उस ग्रंथ के भी पहले ऋषभदेव इस धरती पर मौजूद थे, और चलो ऋषभदेव को जाने दें क्योंकि वो तो बहुत पहले की बात है, लेकिन अरिष्टनेमी का नाम है वो तो बहुत ही ज्यादा नहीं, 22वें तीर्थंकर थे। तो 22वें तीर्थंकर भी ऋग्वेद के पहले हुए हैं। तो इस बात से ये पता चलता है कि जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म तो है ही और प्राचीन धर्म भी है,
प्राचीनता के मामले में भी और स्वतंत्रता के मामले में भी ये एक अनूठा है। और चलिए कोई बात नहीं, मैं दूसरे तरीके से इसका उत्तर देता हूँ। यदि मानते हैं कि जैन धर्म वैदिक धर्म की ही एक शाखा है तो कुछ बातें मिलती हुई होनी चाहिए, लेकिन बातें बहुत सारी विरोधी हैं। अब जैसे कुछ लोग तो राग में धर्म मानते हैं, हमारे यहाँ पर तो वितरागता में धर्म है। वे लोग तो कहते हैं कि ईश्वर जगत का करता है, हम कहते हैं कि जगत का करता ही नहीं है। वे कहते हैं कि भगवान जो है पाप पुण्य का फल देंगे, हम कहते हैं भगवान नहीं देते हैं, ये सबको अपने अपने कर्म देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिनमें हम मुख्य बेसिक में ही मतलब अलग हैं। तो बेसिक में ही अलग हैं तो फिर वो शाखा उनकी कैसे सिद्ध होगी? शाखा सिद्ध हो ही नहीं सकती है। तो इस बात के भी प्रबल प्रमाण हैं। तो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि ऐसा नहीं है। सो प्रश्न तो मेरे पास बहुत है, मैं एक छोटा एक लास्ट प्रश्न पूछूंगा कि जैसे आजकल लोग हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जाना चाहते हैं, क्यों नहीं हमारी पीढ़ी ये युवाओं ऐसे इंस्टीट्यूट में जो आपने जो लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ या आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं लोग ज्वाइन होते हैं और ऐसे प्रोफेशन में कैसे उनकी लाइवलीहुड वो रख सके, जैसे कि सब लोग आईटी वगैरह में जाते हैं। डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट व्हाई पीपल डोंट ज्वाइन दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर द स्टडी ऑफ जैनिज्म? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका भी, विचार तो अच्छे हैं, लेकिन अभी क्या करें इसमें। तो देखिए, हर व्यक्ति के, यूं कहते हैं संस्कृत में कि मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना, कि जितने सिर हैं उतनी ही विचार हैं, और कुल मिलाकर के जो व्यक्ति को जो समझ में आता है वो वहीं चला जाता है। पहली बात तो यही है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि वैसे तो अपने धर्म में कहा दिग्व्रत देशव्रत, यानी अपने ही देश में रह करके अध्ययन किया जाए तो ज्यादा ठीक है। तो जो जहाँ है वो वहाँ ही रहे तो ज्यादा अच्छी बात है, ज्यादा इधर से उधर अनावश्यक जाना आना तो ठीक नहीं। क्योंकि सभी जगह मैं समझता हूँ, मैं तो किसी संस्था को कमजोर नहीं कहूंगा, क्योंकि वो जहाँ भी संस्था जो चल रही है जैनिज्म की, वो सब अच्छा ही काम कर रही है। देश में भी जो संस्थाएं हैं वे भी अच्छा काम कर रही है, हम लोग भी अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो जो यहाँ जुड़ना चाहे वो यहाँ जुड़े, वो वहां जुड़ना चाहे वो वहां जुड़े, लेकिन जुड़े ये महत्वपूर्ण है। कहाँ जुड़े वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जुड़े वो पढ़ें, क्योंकि यही तो एक है जो मनुष्य जीवन में करने योग्य है। तो ये खास बात है, वो महत्वपूर्ण। थैंक यू एसपी जैन जी, बहुत ही अच्छा रहा। आई थिंक काफी सीखने को मिला, एटलीस्ट फॉर मी आई हैव लर्नड अ लॉट द न्यू थिंग ऑफ हाउ इन द नेशन वी हैव जैनिज्म हैज कंट्रीब्यूटेड। नील भाई, आई थिंक आई हैव टेकन अ बिट ऑफ टाइम, आई मीन आई अगेन अपोलोजीज फॉर वेस्टिंग फ्यू मिनट्स ऑफ वैल्यूएबल टाइम ऑन द बर्थडे व्हाटएवर, आई विल नॉट टेक मच टाइम। डॉक्टर तृप्ति जैन जो बैंगलोर जैन यूनिवर्सिटी है, मैं सरप्राइज हो गया। Neil bhai, would you like to introduce quickly, though she's affiliated with Jain University in Bangalore, but she recently joined, and that was, I came to know just now that how that I don't know about her, but I'm sure Neil bhai, would you like to introduce Neil bhai, or I sorry? Yeah, sure, I'll do that. Yeah, thank you. So, हमारे साथ डॉक्टर तृप्ति जी जुड़ी हुई है, जो कि मूल शाहजहांपुर से है। और आप लोग को ये जान के बहुत खुशी की बात होगी कि शाहजहांपुर के हमारे जैन समाज के एक रत्न